हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्सी पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऐसे कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं एंड वो अभी तक कौन कौन से विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ चुके हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से पैकेजेस हैं जो कि विंडोज में चलाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि आप चाहे तो हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। मेंबर बनने के बहुत सारे फायदे हैं। आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, आपको 24/7 सर्विसेज मिलेंगी हमारे तरफ से जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। और साथ ही साथ आप अगर नोट्स बाय करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं विद 40% डिस्काउंट। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोसेस है। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस बेल आइकन को दबा देना है। इसके बाद आपको ये ज्वाइन का बटन दिखेगा। इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आपको इग्नू बीकॉम में आना है। और यहाँ पे आने के बाद इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आप हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं। इसके लिए आपको 119 रुपीज जो है पे करने होंगे हमारे चैनल का मेंबर करने के लिए। तो जैसा कि आप ट्यूशन पढ़ते हैं वैसे ही हमारे पास ट्यूशन आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। असाइनमेंट्स आपको देखो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। असाइनमेंट्स लिखने के लिए आपको मैं दे दूंगा, आपको बस लिखना है और अपने स्टडी सेंटर में जाकर के सबमिट कर देना है। साथ ही साथ आपको बहुत ही लो कॉस्ट पे नोट्स मिल जाएंगे 40% डिस्काउंट पे। और 24/7 आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप स्टडी करें प्लीज हमारे प्लेलिस्ट में आए। प्लेलिस्ट में आपको ढेर सारी वीडियोस मिलेंगी जहां पे आप इनो एक एक करके आप उन सारी वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हमारे आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके देन, सो कंप्यूटर द कंप्यूटर सिस्टम इज ऑलवेज सपोर्टेड विद सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, आपके पास जो कंप्यूटर होता है उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है ना, उस सॉफ्टवेयर के जरिए ही वो कंप्यूटर चलता है जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और उसी सिस्टम सॉफ्टवेयर को एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जा रहा है जिसके बेसिस पे जिसके जिस पे जो कंप्यूटर जो है वो काम करता है ना। सो जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो ऑलवेज सपोर्ट किया जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर और जो उसके मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो कहलाता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रेजेंट इन कंप्यूटर्स लाइक डिवाइसेस इंक्लूडिंग डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, टैबलेट कंप्यूटर, स्मार्ट वॉचेस ईटीसी। तो ये जितनी भी सारी चीजें मैंने आपको बताई है इन सब में अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना। डेस्कटॉप में भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, लैपटॉप में भी मिलेगा, स्मार्टफोन में भी मिल जाएगा आपको, आईओएस मिल जाएगा, विंडोज भी मिल जाएगा, एंड्रॉइड मिल जाएगा, टैबलेट कंप्यूटर्स में भी होता है, स्मार्ट वॉचेस जो होते हैं उसमें भी उनका अपना सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सो विंडोज इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इन इंक, है ना। माइक्रोसॉफ्ट इंक का विंडोज जो है ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में एज ए इंटरफेस काम करता है हमारा ये चीजें जो एज ए इंटरफेस काम करता है हमारा विंडोज। जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है उनको एक तरीके से जोड़ने का काम जो है विंडोज करता है। इट परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस व्हिच आर डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजेस डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड एग्जीक्यूट्स विद द हेल्प ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, है ना। तो ये तकरीबन सारे काम करता है यहाँ पे, वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है जैसे कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं उन सबको एलोकेट करना, डिफरेंट प्रोग्राम्स को मैनेज करना और डिफरेंट प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना। जो भी हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेज के थ्रू जो भी हम उनको करने के लिए बोलेंगे वो सारी की सारी चीजें जो है वो लोग करते हैं, कंप्यूटर जो है वो करता है, राइट। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले देखो जो विंडोज है वो 1985 में लॉन्च करा था, फिर 1992 में लॉन्च करा, फिर 1995 में, फिर 2001 में एक्सपी आया, 2006 में विस्टा आया, 2009 में विंडोज 7 आया, विंडोज 8 2012 में और विंडोज 10 2020 में आया। अभी विंडोज 11 चल रहा है। मैं जिस कंप्यूटर पे अपना रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये विंडोज 11 है, ठीक है ना। तो विंडोज एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमेशा बदलता रहा है, समय के साथ जो है इसमें बहुत सारे बदलाव आते गए हैं, ठीक ना। तो चलिए फिर हमारे आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ विंडोज। तो विंडोज तो हम लोगों ने कर लिया कि क्या होता है, अब इसके जो मेजर एट्रीब्यूट्स हैं उसके बारे में अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सो द फॉलोइंग फीचर्स देयर आर द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द विंडोज। सबसे पहला है इंटरएक्टिव पैकेज। तो इसके अंदर एक इंटरएक्टिव पैकेज होता है। द कंप्यूटर द ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर्स द कम्युनिकेशन बिटवीन द एंड यूजर एंड कंप्यूटर इज एफर्टलेस एंड हेंस द फीचर्स आर इजी एंड क्विक टू अंडरस्टैंड,
है ना। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इंश्योर करता है कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन द एंड यूजर एंड द कंप्यूटर वो एफर्टलेस हो, है ना, जिसमें बहुत ज्यादा आपको एफर्ट ना लगाना पड़े, आपको बहुत ही आसानी से जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको तुरंत प्रोवाइड की जा सके एक अच्छे कम्युनिकेशन के माध्यम से जो कि कंप्यूटर प्रोवाइड कराता है उसके एंड यूजर को, है ना। तो इसके कारण से जो कंप्यूटर का जो मेन जो फीचर है आप बोल सकते हो कि ये बहुत ही ईजी है टू अंडरस्टैंड एंड वेरी क्विक, है ना, और बहुत ही ज्यादा तेज भी है। तो इंटरैक्टिव पैकेज होता है, जो विंडोज होता है वो एक इंटरैक्टिव पैकेज होता है। दूसरा है मेन्यू ड्राइव पैकेज। द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मेक्स इजियर फॉर एंड यूजर टू परफॉर्म सेवरल फंक्शंस विदाउट लर्निंग डिफरेंट कमांड्स, है ना। तो जो विंडोज है एक तरीके से वो आपको अलाउ करता है कि आप बिना कुछ यू नो डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स को जाने आप वेरियस फंक्शंस जो है परफॉर्म कर सकते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि कंप्यूटर जब सीएमडी पे चलता है, कमांड प्रॉम्प्ट पे चलता है, तो वहां पे बहुत सारे कमांड्स होते हैं जिसको आपको याद रखने होते हैं कि चलो मुझे सेव करना है तो मुझे ये दबाना होगा, मुझे कॉपी करना है तो मुझे ये दबाना होगा। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं है, कंप्यूटर बहुत ही ईजी टू यूज इंटरफेस है जिसमें आप चीजों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट कमांड्स को भी सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो बात यहाँ पे बोली जा रही है। दिस मेक्स द नेविगेशन स्मूदर बाय यूज ऑफ मेन्यू एंड सिंपली क्लिकिंग ऑन दीज मेन्यूज विल सर्व द पर्पस, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेन्यूज बनाए गए हैं जिसके ऊपर अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपका काम जो है वो हो जाएगा, है ना। तो इसके नेविगेशन को स्मूथर बनाने के लिए जो है इन सारी चीजों को तैयार किया गया है जिसके ऊपर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो आपका काम जो है वो हो जाता है, ठीक है। अगला है प्रोग्राम मैनेजर। सो एमएस विंडोज एक्ट एज अ मैनेजर बाय कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड मैनिपुलेटिंग द प्रोसेसिंग ऑफ अदर प्रोग्राम्स, है ना। तो एमएस विंडोज जो होता है वो एक तरीके से मैनेजर के रूप में काम करता है जहां पे वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट और मैनिपुलेट करता है डिफरेंट प्रोग्राम्स को जो कि आप चला रहे होते हो। तो विंडोज एक तरीके का मैनेजर भी है आप बोल सकते हो, जो कि आपके प्रोसेसेस को एक तरीके से कंट्रोल करता है, ठीक है, ठीक ना। अगला पॉइंट है मल्टीटास्किंग पैकेज। तो ये एक मल्टीटास्किंग पैकेज भी है। यहाँ पे आप एक ही काम को एक टाइम पे करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, और यहाँ पे आप एक टाइम पे बहुत सारे काम को कर सकते हैं। सपोज आपको गाना सुनने का मन है, आपने गाना लगा दिया, दूसरी तरफ आप कोई काम कर रहे हो, तो आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो। एक टाइम पे आप दो काम कर रहे हो, गाना भी सुन रहे हो और अपना काम भी कर रहे हो, है ना। सो दिस फीचर ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हैज इंक्रीज्ड द प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस द टाइम टेकन बाय द एंड यूजर टू कंप्लीट देयर टास्क, है ना। तो ये जो फीचर है विंडोज सिस्टम का, ये एक तरीके से अलाउ करता है एंड यूजर को कि वो अपने काम को बहुत ही कम समय में कर पाए और बहुत ही प्रोडक्टिवली कर पाए, राइट। क्योंकि वो उसको अलाउ कर रहा है कि आप मल्टीटास्किंग कर पा रहे हो, तो मेनली क्या होगा कि आपने इस काम को किया, जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप दूसरे काम पे जा नहीं सकते। मल्टीटास्किंग में ये हेल्प होता है कि आप इस काम को कर रहे हो साथ ही साथ आप उस काम को भी कर रहे हो, राइट। तो मल्टीटास्किंग में ये जो है आपको हेल्प मिलती है। दिस फीचर helps the end users to perform multi-task simultaneously. अब इसके कारण से जो end user होता है वो multiple task जो है वो perform कर पाता है और इसका benefit ultimately organization को ही मिलता है, ठीक है ना। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको बता दिया और इसके मेजर जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो फीचर्स हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।